अब घर में बटर चिकन बनाना हुआ एकदम आसान, बहुत ही आसान सी बटर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए। एकदम रेस्टोरेंट जैसा बटर चिकन आप घर में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये चिकन ले लिया है, तो ये मैंने 1 किलो चिकन लिया है और हड्डी वाला चिकन लिया है। अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल दिया है। अब इसमें डालेंगे हम नमक और साथ में ही आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और बिल्कुल 1 से 2 चुटकी के बराबर डालेंगे ऑरेंज फूड कलर और साथ में ही 1 नींबू का रस भी डाल देंगे। वो 1 कटोरी ये मैंने दही ले लिया है और 1 चम्मच डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे मसाले ताकि चिकन में अच्छे से लग जाए। तो ये देखिए सारे मसाले चिकन पे अच्छे से लग गए हैं। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल और साथ में ही 100 ग्राम के बराबर हम इसमें बटर डाल देंगे। बटर को मेल्ट कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें कुछ खड़े गरम मसाले। तो 5 मैंने हरी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 8 मैंने काली मिर्च ली है, 1 फूल मैंने जावित्री का लिया है। अच्छे से चटक जाने देंगे मसालों को। और ये मैंने 4 प्याज लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट करे हुए, तो तकरीबन ये 200 ग्राम प्याज है। और इसके साथ ही हम 50 ग्राम इसमें काजू डालेंगे। और ये मैंने 4 ही टमाटर लिए हैं, तो ये भी तकरीबन 200 ग्राम के बराबर है। और ये मैंने 2 से 3 हरी मिर्च ली है और 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है, तो हरा धनिया को मैंने डंठल के साथ लिया है। और सारी चीज़ों को 1 मिनट तक हम पका लेंगे ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। अब डालेंगे हम इसमें कुछ धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे पिसी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही नमक भी डाल देंगे। वो बस हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे 2 मिनट के लिए इसी तरह से कवर करके पका लेंगे जिससे कि टमाटर जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं, प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं, जो हमने सूखे मसाले डाले थे वो भी अच्छे से पक गए हैं। तो बस अब हम इसे निकाल के ठंडा करके इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 चम्मच के बराबर ऑयल। चिकन हमारा आधे घंटा हो गया है मैरिनेट करे हुए, तो अब हम चिकन के 1-1 पीस करके सारे डाल देंगे इसमें। तो ये देखिए सारा चिकन डाल दिया है मैंने। अब जैसे ये नीचे से पकने लगेगा तो हम इसका साइड चेंज करते जाएंगे। तो इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 8 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है ना वो भी अच्छे से गल गया है हमारा। ये देखिए इसमें अच्छे से निशान आने लगे हैं। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो डालेंगे, उसको मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और हमने जो मैरिनेट करा था दही और मसाले बचे थे ना उसको भी डाल देंगे और साथ में ही इसके पानी भी डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें क्रश करी हुई कसूरी मेथी, तो 2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी डाली है। वो हल्का सा मैंने तवे पर सेक लिया था, उसके बाद क्रश करके और इसमें डाल दिया है। बस अब हम इसको कवर करके पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम कर दिया है इस टाइम पे मैंने। और ये देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, जो चिकन में कच्चापन था ना वो भी पक गया है। अब डालेंगे हम इसमें फ्रेश क्रीम, तो ये मैंने 1 पूरा पैकेट डाल दिया है इसमें। और साथ में ही डालेंगे इसमें 50 ग्राम के बराबर हम इसमें मेल्टेड बटर, पूरा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसको कवर करके 1 मिनट तक पकाएंगे, मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और 1 मिनट बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे। ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें क्रीम डाला है। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी बटर चिकन बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट जैसा हमारा बटर चिकन घर में ही बनकर तैयार हो गया है। रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं इसी तरह से आपके लिए नई नई रेसिपी लेकर आती रहूँगी।